गैंगरेप हो रहा है मंदिर में, ये शोभा देता है? ये अगर ये शोभा देता तो बताइए, मंदिर जैसे पवित्र स्थान पर हो रहा है, ये शोभा देता है क्या? अयोध्या की रहने वाली एक लड़की का उसके जानने वाले दोस्त ने पहले अंगूरी बाग और फिर बनवीरपुर में रेप किया। ये दोनों ही जगह राम मंदिर से बहुत दूर पड़ती है। मगर कांग्रेसी नेता उदित राज की अपनी थ्योरी है जिसमें राम मंदिर वाला एंगल है, इसीलिए उदित राज अयोध्या के राम मंदिर पर बुलडोजर चलता हुआ देखने के हसीन सपने पाले हुए हैं। आप ये बताइए, मैं दसियों जगह इसे बताऊं तो कि घटना के स्थल पर बुलडोजर चलता है। मैंने सवाल किया कि क्या एक नजर से या एक ही दृश्य से सबको देखा जा रहा है क्या? कांग्रेसी नेता उदित राज के शब्द शब्द में राम मंदिर से नफरत है, पीड़िता के दर्द से ज्यादा राम मंदिर से चिढ़ है। फैक्ट ये है कि पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर फौरन केस दर्ज किया। दुष्कर्म के आरोप में दो नाबालिगों समेत 5 लड़कों को पकड़ लिया। पीड़िता राम मंदिर में सफाई कर्मचारी है, मगर उसके साथ हुई दुष्कर्म की वारदात का राम मंदिर से किसी तरह का लेना देना नहीं। फिर उदित राज के दिमाग में राम मंदिर पर बुलडोजर चला देने की ख्वाहिश क्यों? मस्जिद में या गुरुद्वारा में हुआ होता तो इस देश के बैनर हेडलाइन बनता और पूरा शिफ्ट आरजी कर कॉलेज से हट करके यहाँ आ जाता कि मुसलमानों के यहाँ ऐसा हुआ, दूसरे जातियों के ऐसा हुआ। वहाँ पर उस युवती के साथ गैंगरेप हुआ, पुलिस ने उस पर नोटिस नहीं लिया और उसको हसब करने की कोशिश किया गया। क्या बुलडोजर एक विशेष जाति के या धर्म के लोगों के भवनों पर ही चलता है क्या? समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 2 दिन पहले ट्वीट कर पुलिस पर सवाल उठाए थे। अब उदित राज ने पूरे केस की लोकेशन ही जानबूझकर राम मंदिर बता दी है। इस फेक नैरेटिव पर अयोध्या वासी गुस्से में है, राम भक्त आहत है, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के मंसूबों को राम मंदिर के लिए खतरनाक बता रहे। उदित राज जी का दिमाग खराब है क्योंकि वो ऐसे जगह से आ रहे हैं। कांग्रेस का कल्चर ही सदियों से खराब रहा है, वह तो हिंदुत्व विरोधी रहे हैं सदियों। राम मंदिर पर नहीं बुलडोजर चलना चाहिए, रेप करने वाले तथा कथित उस सपाई के घर बुलडोजर चलना चाहिए। एक शहर की बात अलग होती है, अगर आपको कोई प्रश्न उठाना है समाज के ऊपर, कोई की व्यवस्था के ऊपर, वो एक अलग बात है, लेकिन आप उसको सीधा मंदिर से जोड़ दें। राम मंदिर से जोड़ना अपने आप में एक बहुत ही गलत कार्य किया गया, एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए जिससे उनका वोट बैंक मजबूत हो, इसलिए वैसा कहते हैं। राम मंदिर किसी प्रॉपर व्यक्ति का नहीं है और न किसी धर्म का है न संस्था का है। राम मंदिर 140 करोड़ देशवासियों का, उनके पैसे में बना है, एक नेता का पैसा इसमें नहीं लगा है। हम हिंदू भाइयों का लगा है तो इनकी ना औकात है न इतनी हिम्मत। अगर इतनी है तो राम जन्मभूमि का प्रथम मार्ग है हमारा बिड़ला सामने, वही आके ये बात कह दे, फिर इनको बताए कितने बड़े नेता है। ये इत्तेफाकी है कि कांग्रेसी नेता राम मंदिर को ऐसे वक्त में जानबूझकर टारगेट कर रहे जब अयोध्या में भक्तों की बेहिसाब भीड़ ने नए रिकॉर्ड बना दिए। यूपी सरकार के पर्यटन विभाग के मुताबिक 2024 के शुरुआती 6 महीने में पूरे प्रदेश में 33 करोड़ टूरिस्ट आए। इनमें से अकेले 1/3 यानी 11 करोड़ श्रद्धालुओं ने अयोध्या का दौरा किया। अयोध्या आने का मतलब रामलला के दर्शन, राम मंदिर के प्रति आस्था और भगवान श्री राम के प्रति समर्पण। फिर क्यों बार बार राम मंदिर पर एनडी गठबंधन बुरी नजर गड़ा देता है? राम मंदिर को लेकर कांग्रेस की सोच कितनी खतरनाक है, इसका बड़ा दावा किया था प्रमोद कृष्णम। जब राम मंदिर का फैसला आया, राम मंदिर बनना शुरू हुआ, उसके बाद राहुल गांधी जी ने अपने नजदीकी लोगों की एक बैठक में अमेरिका के रहने वाले अपने एक शुभचिंतक के कहने पर, इशारे पर, सलाह पर यह बात कही थी कि अगर हमारी सरकार बनती है
तो हम सुपर पावर कमीशन बना करके राम मंदिर के फैसले को पलट देंगे। उन्होंने यह भी कहा था जिस तरह शाहवानों का फैसला राजीव गांधी जी ने पलटा था, 3 तलाक के मुद्दे को लेकर के शाहवानों का फैसला, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उसको बदल दिया गया था। तो जब शाहवानों का फैसला बदला जा सकता है तो राम मंदिर का फैसला क्यों नहीं बदला जा सकता है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को 8 महीने होने वाले हैं, मगर ना तो राहुल गांधी ने राम मंदिर जाना मुनासिब समझा और ना ही अखिलेश यादव ने। याद कीजिए अखिलेश के चाचा राम गोपाल यादव ने क्या कहा था, राम मंदिर बेकार है, ऐसे नहीं बनते हैं राम मंदिर। कांग्रेसी नेता नाना पटोले भी कह चुके हैं कांग्रेस सरकार आएगी तो राम मंदिर का शुद्धिकरण होगा। इसी रामनगरी से बीजेपी को हराने के बाद अखिलेश यादव अवधेश प्रसाद को किसी ट्रॉफी की तरह लेकर घूमते दिखे, लेकिन जब अयोध्या के मदरसा में एक नाबालिग से गैंगरेप के आरोप में समाजवादी पार्टी के नेता मोहित खान फंसे तो चुप्पी साध। इस बार भी पुलिस ने अखिलेश और उदित राज की फेक नैरेटिव को एक्सपोज कर दिया है। यह तथ्य संज्ञान में आया है कि पीड़िता जब अपने पूर्व परिचित मित्र से मिलने विभिन्न तिथियों में गई तब उसके मित्र व साथियों द्वारा विभिन्न तिथियों में उसके साथ दुराचार व सील भंग किया गया। विवेचना से अब तक कुल 5 अभियुक्त गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अग्रिम विवेचनात्मक कार्यवाही प्रचलित। तो सवाल यही है कि आखिर राम मंदिर को बार बार टारगेट क्यों किया जा रहा? भक्तों की आस्था से खिलवाड़ करना क्या फैशन बन चुका है? योगी आदित्यनाथ इसीलिए विरोधियों को अपने ही अंदाज में जवाब दे रहे हैं। दंगाइयों के लिए बुलडोजर भी दिया गया और साथ साथ भक्तों के लिए राम मंदिर का निर्माण भी कराया गया। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बन गया है। अब लोग कहते हैं कि कुछ लोगों को बुरा लगेगा राम मंदिर बनने में, तो उसमें हमारी गलती क्या है? भाई हमारी आस्था है राम से, हमें भारत की बहुसंख्यक जनता की आस्था को देखना है। अगर ये जनता संतुष्ट है उस आस्था का सम्मान देने का काम करना है। राम मंदिर के विरोध का सेंटर पॉइंट है मुसलमान। मुस्लिम वोटों की खातिर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने राम मंदिर से दूरी बनाए रखी और इसका पहला एक्सपेरिमेंट किया लोकसभा चुनाव में। वोटिंग पैटर्न देखें तो यूपी में 92% मुसलमानों ने सपा कांग्रेस गठबंधन को वोट दिया, जबकि बीजेपी वाली एनडीए के खाते में 2% के करीब रहा। अब आगे 10 विधानसभा सीटों का उपचुनाव है और फिर 2027 में यूपी का इलेक्शन, इसीलिए 20% मुस्लिम वोटर्स को 100% तक पहुंचाने के लिए नए नए नैरेटिव गढ़े जा रहे हैं और हिंदुत्व विरोधी इस लाइन को बीजेपी पब्लिक के बीच ले जाने पर फोकस कर रही है। ये कांग्रेस पार्टी की वही जाहिलियत भरी सोच है, जिस जाहिलियत भरी सोच से उन्होंने लगातार प्रभु राम के भव्य मंदिर बनने में हर प्रकार से रोड़े अटकाने का काम किया और जब भव्य दिव्य राम मंदिर बन गया तो तमाम प्रकार के सवाल खड़े करने का काम किया। और अब उनके मंदिर के अंदर की भीतर की सोच ये निकल करके सामने आ रही है कि मंदिर को कैसे गिरा दिया जाए। अयोध्या में हाल फिलहाल में रेप गैंगरेप के 3 बड़े मामले सामने आए। पहला भदरसा से, जिसमें समाजवादी पार्टी के नेता मोहित खान पर आरोप है। दूसरा खंडासा, जिसमें शहबान नाम के आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। और तीसरा अंगूरी बाग वाला, इस केस में भी धरपकड़ जारी है। समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद इन 3 केस में सिर्फ खंडासा गए और वो भी रात के अंधेरे में। पीड़ित परिवार की नाराजगी इतनी कि अवधेश प्रसाद से मिलने से इनकार कर दिया। कांग्रेसी नेता उदित राज की अंतरात्मा भी भदरसा और खंडासा की पीड़िताओं के लिए नहीं जागी। राम मंदिर का कनेक्शन जैसे ही दिखा फौरन नई कहानी गढ़ दी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।